एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि खा पी के चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में मुकेश अंबानी वर्सेस टाटा, किसमें है ताकत सबसे ज्यादा। ताकत से मतलब वो नहीं जो WWE के रिंग में दिखाए जाते हैं, मेरा मतलब रहने सहने और खाने पीने के साथ धन दौलत और शोहरत से है। भाई कुछ भी हो, इन दोनों के लिए वेलकम मूवी का ये डायलॉग बिल्कुल सही है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है। तो बिना टाइम वेस्ट किए इन दो महाशय के बारे में जानना शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर देना। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इन दोनों की बचपन की, फिर बचपन की। दोस्तों आपने ये वीडियो देखा ही होगा, अगर देखा है तो इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर करना। चलो अब सब कुछ छोड़ के फोकस करते हैं हम अपने टॉपिक पर। दोस्तों मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में एडन यामेन में हुआ, लेकिन रहने वाले थे हिंदुस्तान के। वहीं दूसरी और रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। मुकेश अंबानी के पिता का नाम धीरू भाई अंबानी था और नवल टाटा रतन टाटा के पिताजी थे। बचपन में दोनों का लाइफ बहुत अच्छा था और दोनों बचपन के पूरे मौज लेते हुए बड़े हुए, और यही थी उनकी बचपन की कहानी। तो अब हम बढ़ते हैं इनके बिजनेस के तरफ और जानते हैं कैसे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। दोस्तों मुकेश अंबानी अपनी सारी जिंदगी रिलायंस कंपनी को जितना आगे हो सके उतना आगे बढ़ाने की कोशिश की। इनका मकसद पैसा कमाना था और इन्होंने अपने मकसद को पूरा भी किया और इसी के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने और अभी पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के लिस्ट में 6वें नंबर पर हैं। रतन टाटा ने अपने कंपनी टाटा एंड टाटा सन्स को इतनी कंपनियों में बांट दिया कि इनका प्रोडक्ट खाने पीने के चीजों से लेकर घर मकान और वाहनों में भी देखने को मिलेगा, और अभी तक टाटा के कुल 100 से भी ज्यादा कंपनी मार्केट में अवेलेबल हैं। वहीं मुकेश अंबानी का केवल 4 कंपनी ही बाजार में मौजूद हैं। मुकेश अंबानी का नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन रुपीज में करीब 6 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। बात करें रतन टाटा की तो इनका नेटवर्थ ओनली 1 बिलियन डॉलर है और इंडियन रुपीज में 7,416 करोड़ रुपए के बराबर है। आप सोच रहे होंगे कि टाटा का तो रिलायंस से ज्यादा कंपनी है, फिर भी नेटवर्थ अंबानी का ज्यादा है, ऐसा क्यों? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टाटा कंपनी अपने कमाई का 60 से लेकर 90% हिस्सा गरीबों और देश की उन्नति के लिए दान कर देते हैं। इसीलिए इन्हें भारत सरकार के तरफ से 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, लेकिन मुकेश अंबानी को अभी तक कोई भी अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया। पर फिर भी मुकेश अंबानी रतन टाटा से कहीं ज्यादा पॉपुलर हैं, जबकि पॉपुलैरिटी का असल हकदार रतन टाटा हैं। आपको क्या लगता है, यदि टाटा इनकम डोनेट करना बंद कर दे तो ये मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ सकते हैं? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों क्या आप इनके रहन सहन और लाइफस्टाइल के बारे में जानना चाहते हैं? चलो बता ही देते हैं। मुकेश अंबानी का एंटीलिया हाउस, जो कि मुंबई में स्थित है, पूरे दुनिया का सबसे महंगा हाउस है और इसकी लागत रतन टाटा के नेटवर्थ 7,416 करोड़ से ज्यादा है। इस हाउस में 27 फ्लोर मौजूद हैं, जिसमें एक फ्लोर ऐसा है जहां कभी भी आप कश्मीर जैसे बर्फीले नजारों का आनंद ले सकते हैं, और इस हाउस के टेरिस पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। वहीं दूसरे और रतन टाटा एक साधारण से घर में रहते हैं और इसी घर में वह काफी ज्यादा खुश हैं। लेकिन मुकेश अंबानी का अमीरी अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुकेश अंबानी ने अपने वाइफ के जन्मदिन पर नीता अंबानी को एक पर्सनल जेट गिफ्ट किया। इसके अलावा नीता अंबानी के पास एक पर्सनल लग्जरी बोट भी है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। जब पति इतना पैसे खर्च कर रहा है तो पत्नी भी पैसे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। नीता अंबानी एक से बढ़कर एक महंगे वस्तुओं का इस्तेमाल करती है, चाहे बात करें उनकी ड्रेस की या सैंडल या पर्स की। आपको सभी वस्तुओं ब्रांडेड देखने को मिलेगा। आपको मुकेश अंबानी का एक और बात बता दूं कि जब उन्होंने अपने बेटी का शादी किया था तो उस शादी में उन्होंने 110 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकेश अंबानी के पास कितना पैसा हो सकता है। मुकेश अंबानी का यह ठाठ बाट देख के आप रतन टाटा को मत भूल जाना, क्योंकि मुकेश अंबानी जहां अमीरी के लिए प्रसिद्ध हैं, वहीं रतन टाटा अपने नेक कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों हम अपने वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, लेकिन आप निराश मत होना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, और आशा करता हूं कि वीडियो में मजा आया होगा।